हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हम यह तो जानते हैं, जब चार्ज मोशन में होता है तब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, न्यूक्लियस की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि एक तरफ मैग्नेटिक लाइंस का उत्सर्जन होता है यानी नॉर्थ पोल बनता है और दूसरी तरफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स का आगमन होता है यानी साउथ पोल बनता है। इस प्रकार एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। एटम्स का झुंड मिलकर डोमेन्स बनाते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि डोमेन्स में हर एटम का मैग्नेटिक अलाइनमेंट सेम हो। कुल मिलाकर डोमेन की बाहरी परिधि पर कुछ न कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म मिलता है, यानी डोमेन भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। कुल मिलाकर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा, सिलिकॉन स्टील आदि को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मटेरियल में उपस्थित यह डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार अलाइंड होने लगते हैं। एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ डायपोल का साउथ पोल अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल की तरफ नॉर्थ। इस प्रकार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक आधार मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि वह मटेरियल में से पास हो सके मजबूती के साथ। इसी कारण से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमियबिलिटी यानी पारगम्यता अधिक होती है और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे माध्यम जैसे एयर की वजह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से गुजरना पसंद करती है। यही कारण है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में कोर के रूप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग करा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर डायपोल्स फिर से इधर उधर अलाइंड हो जाते हैं और मटेरियल के अंदर उत्पन्न हुआ मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, जिससे कोर के अंदर डायपोल अलाइनमेंट चलता रहता है। अलाइनमेंट के दौरान डायपोल्स की बाउंड्री आपस में रगड़ती है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और हीट उत्पन्न होती है जो किसी काम की नहीं होती। इसे ही हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को हम BH कर्व के हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर में यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील, इसमें सारे डायपोल्स का अलाइनमेंट इधर उधर होता है और इन डायपोल्स का अलाइनमेंट ऐसा होता है कि एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसे BH कर्व कहते हैं। यह ड्रॉ होता है H, यहाँ पर H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और B के बीच में, यहाँ पर B क्या है, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड दी मटेरियल। तो शुरुआत में जब कोई भी फील्ड, आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी गई है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो होगी क्योंकि सारे डायपोल्स इधर उधर अलाइंड हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देंगे। फिर जब हम इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा, आप देख सकते हैं कुछ डायपोल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइंड हो चुके हैं और यह मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, लगभग सारे डायपोल्स अलाइंड हो जाते हैं और फिर इसके बाद यह मटेरियल फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा। इस वजह से आप देख सकते हैं यह कर्व धीरे धीरे जाके यहाँ पर फ्लैट हो जाता है। इसके बाद हम कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं एक्सटर्नली, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी और इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पर मटेरियल में सैचुरेशन आ गया, इससे ज़्यादा यह मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। इसी प्रकार अब हम एक्सटर्नल फ्लक्स को कम करेंगे तो वापस से ये जो डायपोल्स हैं इधर उधर अलाइंड होंगे और अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर जीरो कर दें तब हम देखेंगे कि यहाँ पर मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता, मटेरियल के अंदर थोड़ी सी फ्लक्स डेंसिटी रहती है, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता है। इसे बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है BR से। यह इसलिए है क्योंकि सारे डायपोल्स वापस से अपनी इनिशियल पोजिशन में अलाइन नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं यह डायपोल, यह डायपोल, यह डायपोल अभी भी
एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच जाता है। अब इन डायपोल्स को वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए हमें मटेरियल को विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज करना होता है। उसके लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यहाँ से लेकर जैसे जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ये डायपोल्स वापस से अपनी इनिशियल पोजिशन में आएंगे, और इधर आने पर आप देख सकते हैं मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी। उसके लिए हमें कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, वो लगभग उसकी स्ट्रेंथ होगी इतनी। इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वह फोर्स है, वह मैग्नेटिक फील्ड है जिसे विपरीत दिशा में अप्लाई करना होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। इसी प्रकार में हम नेगेटिव डायरेक्शन में ये देख सकते हैं, हमने नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, और हम और भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो फिर यह डायपोल्स विपरीत दिशा में अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं काफी सारे डायपोल्स नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरे डायपोल्स अलाइन हुए नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ हमें लगभग थोड़ा सा लीनियर मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे सेचुरेशन आना स्टार्ट होगा, यह ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा मटेरियल फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि सारे ही डायपोल अलाइंड हो चुके होंगे। अगेन दूसरी दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपका सैचुरेशन आ जाएगा। वही प्रोसेस अगेन रिपीट होगी। हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे तो यह डायपोल्स वापस से इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वापस से रिड्यूस करा, और हमारे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इतनी होगी। और इस बार भी वही होगा, हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से हटा देंगे, उसके बाद भी हमारे जो डायपोल्स हैं वो कुछ डायपोल्स अलाइंड रह जाएंगे, अगेन मटेरियल के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाएगा, और इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमें इस बार से विपरीत दिशा में, यानी हमें मटेरियल को वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमें मैग्नेटाइज करना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम इतनी पॉजिटिव फील्ड हमें अगेन लगानी पड़ेगी ताकि हमारा मटेरियल के जो डायपोल्स हैं वो पूरी तरीके से इधर उधर अलाइंड हो जाए और हमारे मटेरियल का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से यह कर्व ऐसे फॉलो होता रहेगा। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड को लगाएंगे, हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, सेचुरेशन आएगा, फिर एक्सटर्नल फील्ड को हटाने पर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म रह जाएगा, उस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमें विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज करना होगा, फिर जाके हमारे मटेरियल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी जीरो होगी, फिर अगेन हमें नेगेटिव डायरेक्शन में और ज्यादा हम मैग्नेटाइज करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से, तो अगेन सेचुरेशन आएगा और ये कर्व फॉलो होता रहेगा। हमारे मटेरियल हर मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस कर्व डिफाइंड होता है। जिन मटेरियल के हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर ज्यादा एरिया होता है उनमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है, और एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो जीरो होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, मटेरियल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी लीनियरली बढ़ेगी, और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने पे फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरेसिस कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर जो एरिया होगा वो जीरो होगा, यानी उसके अंदर कोई हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन तो होगा, इस प्रकार बीएच कर्व भी बनेगा, तो यह होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो आशा करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।